वेल गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक AEW के आज हुए कोलिजन के मेन इवेंट को नहीं देखा है तो गाइज मैं आपको बता दूं, आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk रिंग में वापस आ चुके हैं, जहां पर आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM Punk 9 महीनों के बाद हमें FTR के साथ टीम अप करते हुए दिखाई दिए। और गाइज यहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें CM Punk FTR वर्सेज बुलेट क्लब गोल्ड और समोआ जो के बीच में एक जबरदस्त 6-man टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर आज इस के अंदर करीबन 30 मिनट तक बैक एंड फोर्थ हमें एक्शन मैच देखने को मिलता है। और गाइज यहां पर इस मैच के अंदर मुझे डैक्स एडवर्ड की परफॉर्मेंस आज सबसे ज्यादा बढ़िया लगी, क्योंकि गाइज यहां पर इस मैच के अंदर डैक्स एडवर्ड ने 30 मिनट में से 15 मिनट तो अकेले रसल किया है। बट गाइज बात करें यहां पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइज ओवरऑल पूरा मैच बहुत ही जबरदस्त मैच था, जहां पर आज इस मैच के अंदर डैक्स एडवर्ड इस मैच में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। बट गाइज मैच का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तब आता है जब CM Punk और समोआ जो दोनों टैग करके अंदर आते गए, और गाइज इन दोनों के 20 साल के लंबे राइवलरी के बाद आज ये दोनों जब शिकागो में आमने सामने होते गए तो गाइज अरीना में क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाती गए, जहां पर इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सड़ियां एनकाउंटर के बाद मैच के एंडिंग पर समोआ जो CM Punk पर उनका सबमिशन लगा देते गए, और गाइज समोआ जो के सबमिशन के साथ वो मैच को जीतने ही वाले होते गए, तभी यहां पर FTR डिस्ट्रैक्ट कर देती गए, जिसके बाद कि जूस रॉबिन्सन रिंग के अंदर आते गए, और गाइज FTR जूस रॉबिन्सन पर उनका फिनिशर सैटर्न मशीन हिट करती गए, तो गाइज वहीं CM Punk रॉबिन्सन के ऊपर GTS हिट करते गए, और गाइज CM Punk और FTR के फिनिशर के साथ शिकागो में CM Punk उनके रिटर्न मैच को जीत लेते गए, और गाइज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM Punk को बड़ी विक्ट्री मिलती गए।